किरण की रसोई से मैं आपका स्वागत है। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में छोला भटूरा बनाना सीखेंगे। इसमें आप देखेंगे बिल्कुल भटूरों में ऑयल बिल्कुल नहीं होगा और खाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लगेंगे। तो ये कैसे बना सकते हैं हम घर पर बनाना सीखेंगे। आइए छोला भटूरा बनाना सीखें। छोले जो बना रहे हैं इनको हमने ओवरनाइट भिगो के रखा था और इसके पानी को हमने निकाल दिया। इसमें मैं आज आपको एक ट्रिक दे रही हूँ। जब हम छोलों को उबालते हैं तो कई बार ज़्यादा सीटी बच जाती है या किसी छोले की क्वालिटी ऐसी होती है कि एक सीटी में इसके छिलके अलग हो जाते हैं और ये एकदम आटे जैसे हो जाते हैं, और छिलका अलग होते ही हमारी सब्जी जो बनती है वो ख़राब हो जाती है। उसके लिए एक ट्रिक दे रही हूँ कि हमने ओवरनाइट भिगो दिया, इसका पानी रिमूव कर दिया और बॉईल करने हम चढ़ाएंगे। उससे पहले हम इस पर हल्का सा घी लगा लेंगे। इस तरीके से घी हाथों से इन छोलों पर पूरी तरीके से लगा देंगे। इससे आप देखेंगे कि आपके छोले जो हैं अच्छी तरीके से पक भी जाएंगे और ये साबुत ही रहेंगे, छिलके इनसे अलग नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने इस पर घी लगा लिया। इन छोलों को हम कुकर में डालेंगे और साथ में आधा टी स्पून हम नमक डाल करके एक सीटी बजा लेंगे। एक सीटी हमने बजा ली है। अब इसको कम आंच पर हम 30 से 35 मिनट और पकाएंगे इन छोलों को। छोले के लिए हम मसाला देख लेते हैं। मसाले में हमने नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा, इमली को हमने थोड़ा भिगो लिया है, गरम मसाला, चना मसाला, 3 टमाटर, 2 हरी मिर्ची और 1 अदरक का टुकड़ा। 1 कप हमारा छोला भिगा हुआ है जो हमने बॉईल करने चढ़ा रखा है। टमाटर, अदरक और मिर्ची का हम पेस्ट बना लेते हैं मिक्सी में। अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट हमने बना लिया और थोड़े से अदरक को हम इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस में काट लेंगे और हरी मिर्ची को भी हम लंबा काट लेंगे इस तरीके से पतला पतला। 4-5 टेबल स्पून हमने तेल गर्म कर लिया। इसमें आधी टी स्पून हम जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा हो गया है। टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक का पेस्ट डालेंगे। कटे हुए अदरक और हरी मिर्ची को डाल देंगे। अब इसको हम जाली पड़ने तक अच्छे से पका लेंगे। हमारा ये पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया। मैंने कहा जाली पड़ने तक। जाली पड़ने का मतलब ये देखिए, इस तरीके से तेल बिल्कुल छूट जाता है और ये अच्छी तरीके से फ्राई होकर जाली जैसा दिखने लग जाता है। अब इसमें हम अपने मसाले डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे, 1 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम चना मसाला डालेंगे और इसको भूनेंगे इस पेस्ट के साथ। इस तरीके से भूनने के बाद पानी डालने से सब्जी के ऊपर जो तेल की तरी आती है वो बहुत अच्छी आती है और मसाला भी हमारा स्मोकी फ्लेवर का हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो ये हलवाइयों की ट्रिक है कि इस तरीके से आप कम आंच पे इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। और पानी जब डालेंगे आप तो पानी आप बीच में नहीं डालेंगे, साइड में डालेंगे इस तरीके से थोड़ा सा पानी और फिर इसको पकने देंगे। हमारा पक गया है। देखिए तेल की तरी बहुत अच्छी तरीके से ऊपर आ गई है। अब हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। हमारा तैयार है। अब हम छोले डाल देंगे। और इसके साथ ही हम पानी भी डाल देंगे, जिसमें हमने बॉईल किया था वही पानी डाल देंगे और इनको तैयार कर लेंगे 2-3 उबाला दे करके गाढ़ा होने तक। अब इसमें हम इमली और इमली का पानी भी डाल देंगे और इसको अच्छे से उबलने देंगे।
हमारे तैयार हैं। आप जितनी ग्रेवी चाहें उतनी आप ग्रेवी बना सकते हैं। अब गैस बंद कर देते हैं। इंस्टेंट भटूरा बनाने के लिए हम देख लेते हैं हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। 2.25 कप हमने मैदा ले लिया है, इसे हमने छान लिया है। 1/2 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर लेंगे। 1/4 टीस्पून साबुत चीनी लेंगे। 1/4 टीस्पून ही नमक लेंगे और आटा लगाने के लिए ये सोडा लेंगे। ये 1/2 लीटर की बोतल है, इससे हम लगभग 700 ग्राम आटा लगा सकते हैं। मैदे में हम हमारी सारी सूखी सामग्रियाँ मिला लेंगे, बेकिंग पाउडर, नमक, चीनी, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा सोडा वाटर लेकर के इस आटे का हम रोटी जैसा नरम डो लगा लेंगे। डो हमारा तैयार है, इस तरीके से देखिए थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा सूखा मैदा यूज़ करेंगे और थोड़ा सा हाथों में तेल लगा करके ये काम करेंगे। और इस आटे को लगाने में हमारा लगभग 1 कप सोडा वाटर लगा है, तो ज़्यादा हमको ढीला भी नहीं करना है। अब थोड़ा सा तेल डालेंगे और फिर इस डो को हमें बहुत ज़्यादा रगड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं। तो ये हमारा डो तैयार हो गया। थोड़ा तेल का हाथ लगाएंगे, थोड़ा सूखा लगाएंगे और इस तरीके से आप मत करके अपना डो तैयार कर लेंगे। अब इसके हम भटूरे बनाना शुरू करेंगे। चकले पर हमने हल्का सा तेल लगा लिया है, बेलन पर भी बिल्कुल हल्का सा तेल लगा लेंगे और भटूरा हम बनाना सीखेंगे। उसके लिए ट्रिक देखेंगे आप। ये लोई ले ली हमने, अब इसको कैसे करना है, ऐसे तो करना ही है लेकिन इसको हम इस तरीके से करेंगे ताकि इसके अंदर ये लेयर्स बन जाएगी और हमारा भटूरा बहुत अच्छा फूला फूला सा बनेगा। ये इस तरीके से ये हो गया। अब इसको हम रखेंगे तेल लगाते हुए। हम इसको हाथ से थोड़ा सा फैलाएंगे, हमको पूड़ी की तरह इसको उठा उठा करके नहीं बेलना है, हमको नीचे से इस तरीके से घुमाते हुए इसको बेलना है। आप चाहें तो इसको गोल बना लें, आप चाहें तो इसको ओवल बना लें। मैं इसको गोल बना रही हूँ और बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे और इस तरीके से चकले को घुमाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेज नहीं करता है, बार बार सिकुड़ जाता है, तो हमको चकले को घुमा करके ही इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे, मीडियम साइज़ का हम बेलेंगे। भटूरे के लिए हमने तेल को गर्म कर लिया। तेल हमको इसमें बहुत तेज गर्म चाहिए। कितना तेज चाहिए देखिए, थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे, ये डालते ऊपर आ जाना चाहिए। हमको बहुत तेज गर्म पहले करना होगा तभी हमारा भटूरा ठीक से फूल पाएगा। ठंडे तेल में हमको इसको नहीं डालना है। गर्म हो गया है, अब हम अपना भटूरा इसमें डालते हैं। इसको हल्का सा इस तरीके से करते रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से फूल रहा है। आंच हमको डालते वक्त तेजी करनी है। ये पूरा फूल गया हमारा। अब इसको हम धीरे से पलट लेंगे। ये देखिए पूरी तरह से फूला है हमारा ये भटूरा। आप इसमें ये देखेंगे कि बिल्कुल भी तेल नहीं आएगा, ऑयली नहीं बनेगा आपका बिल्कुल भी भटूरा। नहीं तो काफ़ी ऑयली हो जाता है, तो हम उसको खा करके भी परेशान हो जाते हैं और बनाते वक्त भी परेशान होते हैं। आप इस मेथड से बनाएंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल आपके भटूरे में भी तेल नहीं, हाथों पर भी तेल नहीं लगेगा और खाने के बाद भी आपको नहीं लगेगा। और ये जो आटा है, इस आटे को आपने लगा के 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे आप फ्रिज में भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे बाद भी अगर आप इसका बनाएंगे तब भी आपका भटूरा अच्छा बनेगा। अपना भटूरा निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। बड़ी छलनी पे रख के इसको झटकेंगे ताकि इसमें कोई तेल ना रहे। तेज चढ़ा दिया तेल को, एक बार और देख लीजिए कि कितना गर्म हमारा तेल चाहिए। तो डालते हमारा भटूरा ऊपर आ जाएगा, इतना तेज हमको चाहिए। ठंडा डालेंगे तो हमारा भटूरा फूलेगा भी नहीं और ऑयल भी पी लेगा। आंच हमको तेज ही रखनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये देखिए देखिए हमारा भटूरा अच्छे से हो गया और वो करवट अच्छे से हम होने देंगे
कलर चेंज होने देंगे इस पर हम जब तक थोड़ा थोड़ा करके तेल इस तरीके से डालते रहेंगे ताकि ऊपर से भी हमारा ये, क्योंकि मैदा है तो थोड़ा धीरे फ्राई होता है, तो अच्छे से करेंगे नहीं तो कच्चा रह जाएगा तो खाने के बाद ये भोजन दिक्कत करता है, इसलिए आप इसको कम आँच पे अच्छे से करेंगे। अब हमारा हो गया है, इसको पलटेंगे, ये देखिए थोड़ा सा कलर भी अच्छा चेंज हो गया। हमारे छोले भटूरे बनकर के तैयार हैं, बहुत ही फूले फूले और बहुत ही अच्छे बने हैं, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, ना तो इनके ऊपर है ना इनके अंदर ऑयल है। और इसको हमने नींबू के अचार के साथ सर्व किया है, प्याज हरी मिर्ची के साथ सर्व करेंगे। आप इस तरीके से भटूरे बना करके ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।